हे शुभ दोपहरी, शुभ दोपहरी मेरे दोस्तों। जी हाँ, दोपहर का टाइम है। और जी हाँ, मैंने अभी शुरुआत की है इस वीडियो की आपसे बात करने के लिए, और आपसे एक वीडियो शेयर कर रही हूँ दोस्तों। उसको अपना प्यार दीजिएगा लाइक और कमेंट्स के ज़रिए। और इस वीडियो के बारे में मैं आपसे बताना चाहती हूँ दोस्तों। ये वीडियो है अप्रैल का। हम लोग अप्रैल में गए थे, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपके जीवन में भी, होती हैं मेरे साथ बहुत होती हैं, और किन्हीं चीज़ों का आभास पहले ही हो जाता है। ऐसे संकेत ईश्वर हमको दे देते हैं। मेरी पता नहीं ऐसे होता है। मैं क्या, आप सब किसी न किसी भगवान को मानते ही हैं, और भगवान एक ही रूप होता है माँ का। माँ से बड़ा रूप और कौन हो सकता है इस पूरी सृष्टि में। सो एनीवे, मतलब कुछ है इस वीडियो से रिलेटेड। अच्छा, मैं कुछ शेयर कर ही देती हूँ अगर मैं आपको समझा पाई तो। जब मैं गई थी वहाँ जयपुर, तो जो ये वीडियो था, इसको मैं, पॉसिबल नहीं था कि मैं आज इसको एडिट करके आज सेंड करूँ। ये कोइंसिडेंटली हो रहा है, ट्रस्ट मी, ये कोइंसिडेंटली हो रहा है। और बीच में इतना गैप, इतना वो होने के बाद अब इसका नंबर आया, और इसको मैं एक चमत्कार बोलूँ या अपनी मन की विश बोलूँ, क्योंकि मैं चाहती तो थी कि मैं आज के दिन पे ये वीडियो सेंड करूँ। क्योंकि जब मैं वहाँ थी, अभी आप देखोगे, कन्फ्यूजन हो रही होगी आपको, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगी। जब आप देखोगे, जब मैंने आज के दिन का इस वीडियो में पहले ही जिक्र कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था दोस्तों कि ये वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि ये पहले ही मैं करना चाहती थी। लेकिन सम रीज़न होता है ना, पत्ते पत्ते पर, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, और हर एक राह ईश्वर ही हमें देता है। सो वही है, इस वीडियो को आज ही आना था, और परफेक्ट दिन पर आना था। ये जो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े जो कैप्चर हैं उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम ऐसे ऑन कैमरा, मतलब कैमरे के सामने ही बोले, तो वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो आई नो कि आप लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है मेरी वीडियोस में, लेकिन प्लीज़ सम टाइम हो जाता है ऐसे, तो वीडियो को प्यार प्यार ज़रूर देना लाइक और कमेंट्स के ज़रिए। तो चलिए, ज़्यादा बकर बकर नहीं करती हूँ, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को एंजॉय करना और एंड तक ज़रूर देखना, और तब तक, जब तक मैं कल, हाँ कल तो मैं पक्का सेंड करने वाली हूँ वीडियो। और यस, स्पेशल डे है, उसको मैं कल ही सेलिब्रेट और कल ही इसके बारे में सब बोलूँगी। सो अभी फ़िलहाल यही था बोलना, और कैमरा जब ऑन हो जाता है तो बहुत कुछ बोलने का मन होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही। और क्या कह रही थी, हाँ मैं चाहती थी मैं तैयार होकर ये सब बोलूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं था। आज थोड़ा मंथली प्रॉब्लम चल रहा है, तो ऐसे ही मैंने स्टार्ट कर दिया। हालांकि मैं आज भी इसको सेंड नहीं कर पाती, लेकिन वही है ना, फिर ऐसे ही डिले हो जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। कल करे सो आज, कर आज करे सो अब। सो चलिए दोस्तों, और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल वाली वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बाय बाय। यार दोस्तों, आपके साथ भी क्या ऐसा होता है, एक आंख बंद और एक आंख खुली सुबह सुबह? चलो मुझे बताना कमेंट्स करके। मेरे साथ होता है, और मैं ऐसे में ही, जब तक मुंह न धोऊं तब तक मैं ऐसे ही अपनी नींद को ले रही होती हूँ एक आँख से। यहाँ पे कैमरा सेट कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा था, और यहाँ पे अभी मैं पी रही हूँ चाय। और चाय पीते पीते ख्याल आया कि चलो आप लोगों के साथ इसको कैप्चर करूँ। और देख पा रहे हैं आप मुझे कि ऐसी भी स्थिति होती है कभी कभी। अच्छा दोस्तों, हम चाहते हैं ना हमारे स्पेशल डे पे हमारे साथ कुछ स्पेशल हो, लेकिन कोइंसिडेंट और चमत्कार मैंने इसीलिए कहा है। जो आज की डेट है वो एक महीने पहले, ये जब डेट थी, जब मैं यहाँ आज हूँ, तो
तो शायद मुझे पता नहीं था, लेकिन जो जो मेरे साथ आज हो रहा था वो किसी मैं ड्रीम ही कहूँगी एक लेडी के लिए, और वो आगे आप देखेंगे कि हाँ ऐसे स्पेशल डे पर ऐसे ही होना चाहिए। का चेक कमरा में से पानी लीक तो नहीं होना। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना तो अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों बताना कि और क्या अच्छा लगता है लेडी को खास करके। हम साड़ी देख रहे हैं, पसंद ही नहीं आ रही है त्रिशूल। और दोस्तों यहाँ से मैंने एक साड़ी ली है, रजाई ली है, और दो साड़ियाँ मैंने किसी और शॉप से ली है जो मैं कल वाले वीडियो में या आने वाले वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। आज आपको पता ही है मंथली प्रॉब्लम के कारण मेरी बॉडी बिल्कुल लेज़ी हो रही है, इसलिए सोचा कि पहन कर और अच्छे से उनके बारे में आपसे बातें करूँगी तब शेयर करूँगी, ठीक है। मैं हूँ पीछे पीछे, और दोस्तों हम लोग आ गए थे मार्केट से, और यहाँ के मार्केट पता कैसे वैसे खुले मार्केट जैसे होते हैं ना, जैसे हमारे एरिया में होते हैं, मतलब हमको तो आदत पड़ी है जैसे दुकान, तो यहाँ लोकल मार्केट बोलते हैं उसको, मतलब जो ओपन ऐसे होते हैं। अब वैसे मार्केट जो जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी बस उसके अंदर है ये दुकान, ऐसी दुकानें हैं यहाँ मैंने पहली बार देखी, और मैं तरस रही थी वैसी दुकानें देखने के लिए, मतलब जैसे हमारे एरिया में होती हैं। तो एनीवे जो भी था तो ज़्यादा मैं कैप्चर कर नहीं पाई, थोड़ा सा किया तो मैंने साड़ियाँ ली वहाँ से, तीन साड़ियाँ दो मतलब अलग अलग दुकानों से। तो वहाँ से आने के बाद तुरंत हमारा यहीं अंदर खाना होता है, तो वहाँ भी कैमरा अलाउ नहीं होता है वैसे, फिर सबके सामने सबका डाइनिंग रहता है वहाँ बना हुआ, तो सब खाना खा रहे होते हैं, तो वहाँ थोड़ा लेने में अजीब ही लगा। मैं ले नहीं गई वहाँ पर, जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही जाती थी, वहाँ कैमरा नहीं देगी। तो फटाफट हम लोग आए, नौ बजे तक पहुँच गए थे, तो क्रीशा और हनुक रूम में थे वहाँ कमरे में थे, तो इन दोनों को हमने बोला हुआ था क्योंकि पास में था यहाँ पे मार्केट, तो हमने बोला हुआ था तुम लोग खाना खा लेना, मतलब सेफ रहता है यहाँ, ऐसा कुछ डर वो नहीं है। तो इन लोगों ने खाना खा लिया था, अभी पे कर दिया था, और बहुत अच्छा मतलब सीधा साधा बहुत अच्छा खाना रहता है, और होटल से तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये था, फिर हम आए फटाफट दौड़ दौड़ के, हमने कहा कहीं खाना कहीं ख़त्म ना हो जाए क्योंकि टाइम रहता है ना यहाँ का। तो फिर हम लोगों ने दोस्तों खाना खाया फटाफट, और फिर अब बच गए 9:30, थोड़ा ऐसे फिर वॉक करने के लिए आ रखे हैं। अभी देख रहे हैं हम लोग, हमने कहा आइसक्रीम का कहीं कॉर्नर मिलेगा तो आइसक्रीम खाएँ, तो निकले हैं। सो बस यही अपडेट थी अभी की आज की। और अभी पता मैंने जो मेरे जो मंदिर वाले ब्लॉग हैं वो बस स्टॉप हो गया ये 3 दिन में, फिर यहाँ एडिटिंग कहाँ करनी थी, अब ये वाले ब्लॉग फिर इसके बाद आएंगे। और है नहीं है किधर होगा, आगे किधर होंगे। सो अब उधर लेफ्ट साइड में चलना पड़ेगा हमको, उधर चलना पड़ेगा ना, हो गए उसकी भी एडिटिंग करनी है, तो वो पहले वो होंगे एडिट होंगे वो जाएंगे अपलोड होंगे, तो उसके बाद ये वाली मेमोरी हमारे सेफ होगी, टाइम लगेगा। तो ये हाल समझ जा रहे हैं दोस्तों, और क्या बोल रही थी मैं, और यार 19 तारीख को क्रीज भी चले जाएंगे, तो और अगले महीने हमारी एनिवर्सरी है, तो हमारी एनिवर्सरी आती है 9-10 हानों को, 9 को 10 को ऋषभ मतलब मैं चली गई थी ससुराल में, तो 10 को हाँ 9-10 को हमारी शादी, मैं को मरी है अप्रैल।
तो क्रिस मन के सामने बोलती, क्योंकि उनको यार ये ब्लॉग में देखेंगे, अगर ये आवाज़ आ रही होगी तो मैं इसमें डालूंगी और इसी में ही उनको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही थी। तो ये वाला जो ट्रिप है, पिछली जो हमारी एनिवर्सरी थी वो भी हमने जयपुर में ही सेलिब्रेट की, उनको याद नहीं था। वो वाला ब्लॉग देखना कैसे सरप्राइज हुए थे उस टाइम पे जब हम वो देख ले रहा आप लोग। और ये वाला भी ऐसी है, तो ये वाला भी देखना गिरीश जब तुम देखोगे वो आगे सुनाएंगे। तो ये वाला ट्रिप जो है, मैं गिरीश जी को बोल रही स्पेशल, जो ये वाला ट्रिप है यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है ना, हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिए एक दूसरे के साथ और अपने बच्चों के साथ, इतनी खुशी की बात है। सो अब कोइंसिडेंटली है कि जयपुर में ही हम लोगों ने अपनी दो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। सो एक मैंने बात आने वाली है यार, मिल गई आइसक्रीम की दुकान बहुत सारे ढूंढने के बाद, ये भी बहुत रहने वाली है। जयपुर की सड़कें और हम हैं आइसक्रीम खाते हुए, और ये दिन याद रहेगा इस वीडियो के जरिए। बिल्कुल दोस्तों, आज मैं जब ये वीडियो देख रही हूँ ना, तो मुझे वो दिन याद आ रहा है उस दिन का। और आर्मी फैमिलीज़ की जो छुट्टियाँ होती हैं बहुत कम होती हैं, सभी जानते हैं। और हमारे लिए जब छुट्टियाँ होती हैं तो 12 महीनों में जो जो फेस्टिवल छूट गए हैं उनको हम ऐसे ही मान लेते हैं, ऐसे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये ऐसा मेरा दिन कोइंसिडेंटली गया जो मैं चाहती थी, क्योंकि मेरे माइंड में था कि एक महीने बाद हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, और लेकिन छुट्टी नहीं है, जाना है हस्बैंड को। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आई होप कि आप समझ पाए होंगे मेरी फीलिंग्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।